सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय लाला छबील दास की याद में हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता प्रीमियर लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 1 से 6 फरवरी तक किया गया, जिसके समापन समारोह में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय लाला छबील दास की याद में हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता प्रीमियर लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 1 से 6 फरवरी तक किया गया, जिसके समापन समारोह में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। प्रेम कुमार धूमल ने अधिवक्ताओं द्वारा फाइनल मैच में किए प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये वर्ग अपने पेशे में सफलता के लिए काफी मेहनत करता है तथा छुट्टियों के दौरान फिट रहने के लिए खेलों के महत्व को बताता है। इस दौरान पूर्व सीएम ने विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार कल वापस आ जाएगी तथा सचिवालय भी चलेगा और सरकार भी विपक्ष अपना काम करे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मैं पहले भी कई बार ऐसे टूर्नामेंट में शामिल हुआ हूं। अधिवक्ता वर्ग सफलता के लिए अपने प्रोफेशन में काफी मेहनत करते हैं तथा जब छुट्टियां होती हैं तो खुद को फिट रखने के लिए परिवार सहित देश प्रदेश को संदेश देते हैं कि खेलना कितना आवश्यक है। आज के मैच में जो भी खेले वो सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह खेले हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज दिल्ली में प्रचार का अंतिम दिन है, कल सरकार शिमला पहुंच जाएगी, प्रदेश सरकार भी चलेगी और सचिवालय भी चलेगा, विपक्ष अपना काम करे जो उन्हें करना है। मुख्यमंत्री कल वापस आकर विपक्ष के सवालों का खुद पूरा जवाब देंगे। कई बार इनके टूर्नामेंट में शामिल हुआ हूं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बुद्धिजीवी जो जबरदस्त मेहनत करते हैं अपने प्रोफेशन में सफल होने के लिए कोर्ट्स में, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो अपने आप को फिट रखने के लिए और एक संदेश केवल अपने परिवारों को नहीं सारे देश प्रदेश को संदेश देते हैं कि खेल खेलना कितना आवश्यक है। बहुत शानदार खेले हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हर बार जब टूर्नामेंट देख रहा हूँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट पहले से ज़्यादा होता है। इसके लिए आयोजकों को, विशेष करके आनंद शर्मा जी को जो हर बार हम मुझे इन्वाइट कर लेते हैं साथ में, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आशा है कि भविष्य में भी ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारे बुद्धिजीवी क्रिकेट प्लेयर एडवोकेट्स हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पार्टिसिपेट करते रहेंगे और हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा। उठा रहा है कि वर्तमान जो सरकार सत्ता में है उनके तमाम नेता जो है दिल्ली में, तो किस तरीके से सचिवालय चले? आज वहाँ प्रचार का अंतिम दिन है, कल से लोग आ जाएंगे, सचिवालय भी चला लेंगे, प्रचार भी चला लेंगे, विपक्ष वाले अपना काम करें जो उनको करने का है। सर, विपक्ष ने भी कहा है कि शीतकालीन प्रवास को एक बार फिर से टाल दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, तो क्या मुख्यमंत्री कल वापस आएंगे उसके बाद जवाब देंगे पूरा मुख्यमंत्री कल वापस आएंगे उसके बाद जवाब